अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के बराड़ा गांव के तीन युवकों में नशे में धुत होकर हुई मारपीट के दौरान एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गत रात करीब 1 बजे शराब पीकर तीनों युवकों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसमें एक युवक के पेट में टूटी हुई बोतल घुसा दी। घायल अवस्था में लहूलुहान युवक को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर के बराड़ा गांव के तीन युवकों में नशे में धुत होकर हुई मारपीट के दौरान एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गत रात करीब 1 बजे शराब पी रहे तीनों युवकों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसमें एक युवक के पेट में टूटी हुई बोतल घुसा दी। घायल अवस्था में लहूलुहान युवक को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि रोहित कुमार और विनोद कुमार अपने दोस्त रिजुल कुमार निवासी बराड़ा के साथ बैठे हुए थे कि किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई, जिसमें दोनों युवकों ने रिजुल के पेट में कांच की बोतल से हमला किया और रिजुल को लहूलुहान कर दिया। मारपीट के बाद खून से लथपथ रिजुल को अस्पताल लाया गया, जहां पर रिजुल की हालत नाजुक बनी हुई है। रिजुल के पिता राकेश कुमार ने बताया कि रात को करीब 2:30 बजे मारपीट की घटना का पता चला है और खून से लथपथ रिजुल को अस्पताल लाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों ने बड़ी बेरहमी से मारपीट की है और पेट में कांच की बोतल से हमला कर घायल किया है। कलेक्टर जी, रिजुल दुंगल नाम है इसका जी। मेरा नाम राकेश कुमार है, गांव बराड़ा है। और इसने रात को, परसों रात को इसने काम कर रहा जिसमें है, और इसने ड्राइवर के उन्होंने यहाँ पे बोतल मार दी और खतरा है। मेरा नाम राकेश कुमार है जी, मैं कह रहे हैं, मैं कुछ कहा ही कर रहे हैं तो जी। मुझे फोन आया पूछा था भाई, इसलिए भी फोन आया कब इसके नंबर में पता लगे थे तो इनके ड्राइवर को है ट्रेन बोल हाँ ड्राइवर नंबर पता नहीं हम पता लगे थे जब उनके कल 4 बजे का पूछ के हैं। हाँ जब मुझे पता लगा जब मैंने आगे देखा था कि अंदर मार पड़ी जब मैं गया था ढाई बजे में आप गए हैं देखो तो टॉप नंबर 99 आप लोग हाँ 5-6 बड़ा हल्ला मचा रहे थे। इसने कहा कि ये मैं रात ज्यादा हो गई, दिन भर काम किया, हम थक गया, मैं सोने दो। और वो लड़के उठे, उन्होंने सिर पे बोतल मारी और बोतल मारने के बाद जो बोतल के फट गई बोतल तो उसके मक्खी में घिट में उसने जो है वो बोतल मारी और बोतल मारने के बाद जो है उसकी आंद्रा पोटियाँ बाहर निकल गई और आंद्रा बाहर निकलने से जो ब्लड ब्लड लगा निकलना नहीं, ब्लड 6 किलो खून निकल गया, 1 बोतल उसकी खून की बची के अंदर 90% खून के पट्टी के अंदर निकल गया। किडनी में भी नुक्स पड़ गया और घुटनों में भी और पैंक्रीज में भी चोट लग गई। और चोट लगने के बाद जो बच्चे के डैडी को फोन किया तो डैडी को 2:30 बजे फोन किया, जब 2:30 बजे डैडी इसका 3 बजे पहुंचा तो बच्चा जो था बेहोश बच्चा में हो खून से लथपथ था। 3:30 बजे डॉक्टर आए और 3:30 बजे डॉक्टर लेके इसको अंदर लेके गया ऑपरेशन थिएटर में और 9:30 बजे तक ऑपरेशन चला और 8 बोतल खून की चली लगी और अभी तक जो है वो खून की 15-16 बोतल चढ़ गई थी, लेकिन बच्चा अभी भी बेहोश बच्चा में पड़ा जी। और डॉक्टर से जब पूछा तो कहते ये बच्चे गए थे बात बात करना मारे थे, इम्प्रूवमेंट होगी तो अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया जी, नाड़ा टूट गई है, मुट्ठा फट गया है, पैंक्रीज फट गई है और सारे पेट का ये है इसका सारा बाहर आ गया और पुलिस वाले यहाँ कोई नहीं आए जी, अभी कोई खबर नहीं पुलिस वाले की भी हम सवेरे यहीं खड़े हैं, कोई पुलिस का कोई बच्चा देखने तक नहीं आया, जबकि ये पुलिस की कस्टडी में यहाँ बच्चा जी है। पुलिस को सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी 3 टाइम पुलिस को यहाँ आना चाहता था, उनको बच्ची की कोई परवाह नहीं है, उनको चिंता उनकी है जिन्होंने मारा है उनको बचाने की है। देखो जो बच्चा तार पड़ गया उसको देखने की पुलिस वाले की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई पुलिस
का बंदर यहाँ आया जी। कंप्लेन किया पुलिस वाले, उसको यहाँ आ गया है। पुलिस वाले ने नितेश कुमार को फोन किया और पुलिस वाले साथ से उसके बाद कोई पुलिस का बंदर यहाँ आया जी। और पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई उन दोनों बच्चों के ऊपर की जाए जो कि मारने के बाद भाग जाए। अगर कोई शक्यू इनको यहाँ लेकर नहीं आता तो बच्चा 10-15 मिनट में डॉक्टर नहीं संभाले तो मर जाता है। मेरा दोस्त अजय और मैं आराम रहता हूँ। रिजुल की माता रेखा देवी ने बताया कि रात को देखा तो रिजुल की हालत बहुत बुरी थी और बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए हैं। उन्होंने बताया कि 10 बजे तक ऑपरेशन चला हुआ था और उसके बाद भी हालत खराब बनी हुई है। आया यहाँ तो 2:30 बजे पुलिस आया, फोन आया है जी आपके लड़के चोट लगी भी हॉस्पिटल में आ जा। बस इतने में फिर हमने गाड़ी करी आ गई मीरपुर में। तो मीरपुर में हमको तो बताया नहीं है क्या हो गया नहीं हो, तब इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। हमने इधर 4-5 बजे पहुँच गए थे 4 बजे, तो हमको तो बताया नहीं, बोले ऑपरेशन थिएटर में। तो ऑपरेशन इसका 10 बजे तक तो ऑपरेशन से बाहर निकाला है, 4 बजे का अंदर लिया था। उसके बाद फिर देखा तो ऐसी हालत थी इसकी, ऐसी हालत। एसपी हमीरपुर अजीत सेन ठाकुर ने बताया कि तीनों युवकों में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक के पेट में बोतल से हमला किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल करवाने के बाद आरोपी दो युवकों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना बड़सर के अंतर्गत पिछले कल दो एक्साइज की FIR भी दी गई। हमारे यहाँ पे जीरो टॉलरेंस फॉर पब्लिक ड्रिंकिंग के तहत हमने कुछ इस तरह के एक्शंस लिए हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और वो लड़का की जेपी मशीन में काम करता है, मालकिन को एक मकान में आगे गया। और दो लड़के जो थे वो शराब जी के बड़ा हल्ला मचा रहे थे। किसी ने कहा कि ये भी रात ज्यादा हो गई, दिन भर काम किया, हम थक गए, हमें सोने दो। और वो लड़के उठे, उन्होंने सिर पे बोतल मारी और बोतल मारने के बाद जो बोतल के फट गई बोतल, तो उसके पक्षी में जित में उसने जो है उन बोतल मारी और बोतल मारने के बाद जो है उसकी आंगन बोटियाँ बाहर निकल गई। बच्चा अभी भी बेहोश बनकर मैं पड़ा जी। और डॉक्टर से जब पूछा तो कहते ये बच्चा गया के बाद बात करना मारे थे प्रूवमेंट होगी, तो अगर प्रूवमेंट होगी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरे तो ठीक ठाक हो गया, ये नारा टूट गई है, मुद्दा फट गया है, एंग्री फट गई है और सारे पेट का ये है इसका सारा बाहर आ गया। और पुलिस वाले यहाँ कोई नहीं आए, जब कोई खबर नहीं पुलिस वाले की, हम सवेरे के यहीं खड़े हैं। कोई पुलिस का कोई बच्चा देखने तक नहीं आया, जबकि पुलिस की कस्टडी में यहाँ बच्चा नहीं है। पुलिस को सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, 3 टाइम पुलिस को यहाँ आना चाहिए। उनको बच्ची की कोई परवाह नहीं है, उनको चिंता उनकी है, जिन्होंने मारा है उनको बचाने की है। लेकिन जो बच्चा टर गया उसको देखने की पुलिस वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई पुलिस का बंदा नहीं यहाँ आया, कंप्लेन किया पुलिस वाले, उसको यहाँ आ गया है। पुलिस वाले ने नितेश कुमार को फोन किया और पुलिस वाले साथ से उसके बाद कोई पुलिस का बंदा नहीं आया। और पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई उन दोनों बच्चों के ऊपर की जाए जो कि मारने के बाद भाग जाए। अगर कोई शक्यू इनको यहाँ लेकर नहीं आता तो बच्चा 10-15 मिनट में डॉक्टर नहीं संभाले तो मर जाता है। मेरा दोस्त अजय और मैं आराम रहता हूँ।